Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to learn lesson number 6, English grammar articles, part 1. Okay, in the last video before your exam we already discussed about pronouns. That was the last lesson of your English grammar, but this time we are going to discuss about articles. Okay, you might have studied in your junior classes. Okay, still we have in syllabus articles, so we have to discuss more about articles. Okay, so there are so many things written here, but the most important things that I'm going to explain from this textbook. Okay, so please open your books, page number 30. So that as I'm going to read, so definitely you have to follow me so that you can understand. Okay, so dear students, articles divided into two parts. Okay, the first one is definite articles, which contain the, and the second one is indefinite articles, that is contain two things, a and an. Okay, जो डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब होता है जो निश्चित अनुच्छेद, निश्चित, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित, ठीक है. तो इनका यूज हम कई बार अपनी बोलते वक्त यूज करते हैं या लिखते वक्त यूज करते हैं, और इनकी यूज नहीं पता होता है, इसलिए हम कई बार जो है कहाँ पे द लगाने की जगह पे जो हम एन यूज कर देते हैं, एन लगाने की जगह पे ए यूज कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स, द का जो है डेफिनेट माना जाता है और ए और एन का मतलब जो है जो इनडेफिनेट माना जाता है, ठीक है. सो आई बिलीव एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सो डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट द क्लैरिटी ऑफ आर्टिकल्स एंड द डीप नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, सो दैट यू कैन यूज एनी वे whether writing form or while you are speaking with others, you can use very well. Okay, so I'm going to read, please look at your books. The is called definite articles and a and are the indefinite articles. जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, द जो है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित अनुच्छेद कहा जाता है उसे, ठीक है, और ए एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, द का तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो है ए और एन का लिखा हुआ, ठीक है. इसमें देखेंगे ए यूज विथ कंसोनेंट, ठीक है, कंसोनेंट आपको पता है, ठीक है, कंसोनेंट कितना होते है. Then n used with vowels, sorry, okay, that is a e i o u, ठीक है. तो हम इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे, इसके आधार पर अगर हम बोलेंगे या लिखेंगे तो बिल्कुल ग्रामेटिकली सही हो जाता है, ठीक है. तो याद हो गया होगा आपको ए यूज विथ कंसोनेंट, ठीक है, जो कि इन सब को छोड़, ये पांच लेटर को छोड़ने के बाद तो बाकी जो लेटर है 21 लेटर वो कंसोनेंट में आते हैं, ठीक है. एन यूज विथ वॉवल्स, ठीक है, जो कि ए ई आई ओ यू. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, एन जरूरी नहीं है कि केवल उन्हीं के आगे ही यूज होता है, लेकिन कई बार जब एक प्रोनाउंसिएशन जिस लेटर में शुरुआत होता है उस लेटर से पहले भी एन यूज किया जाता है, ठीक है. कहीं लेटर आपने देखा होगा, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू होता है, जैसे कि एम पी, ठीक है, क्या है एम पी. अगर इसको प्रोनाउंस करोगे तो एम जो है एम से पहले उसकी साउंड जो है ए में हो रहा है, तो इसीलिए क्या है कि लोग यहाँ पे एन यूज करते ना कि ए यूज करते, जबकि ये क्या है कंसोनेंट एम है, लेकिन एम का जो साउंड है शुरुआत उसकी ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए उनसे पहले एम यूज किया जाता है. और भी बहुत सारी जो वर्डिंग होता है जो कि
एन यूज किया जाता है, लेकिन जबकि वो कंसोनेंट का होता है लेकिन एन यूज किया जाता है। और भी वर्डिंग है जो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवल, ठीक है। तो ए जो है वहां पे यूज किया जाता है जिस लेटर की, जिस लेटर को कंसोनेंट में आ गए, ठीक है, चाहे वो वॉवल भी क्यों ना हो, ठीक है। ए जो है वो केवल कंसोनेंट की शुरुआत में यूज किया जाता है। अगर शुरू, अगर उसकी जो बिगिनिंग वॉवल के, वॉवल के साथ भी शुरू हो रहा हो, ठीक है, देन एन यूज, एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड, ठीक है। और एन जो होता है उस लेटर से पहले यूज किया जाता है जिसका जो साउंड है वॉवल होना चाहिए, आई मीन ए ई आई ओ यू होना चाहिए, ठीक है। देन एग्जांपल आ होर्स, ठीक है। अब इसमें देखोगे आ होर्स, आ ईयर, आ यूनिट, ठीक है, ये सारे जो है क्या है एक तरह से कॉन्सनेंट है, लेकिन यूनिट यू देखोगे तो उसका साउंड क्या है, बिल्कुल वो एक तरह से कॉन्सनेंट साउंड है, इसलिए वहां पे क्या है एन के जगह पे एक यू जो रखा है, ठीक है। उसके बाद एन आवर, एन आवर एच, एच से पहले भी एन यू जो रखा है, एच एक तरह से साउंड क्या हो रहा है ए का दे रहा है, ठीक है, उसकी साउंडिंग जो है वो ए है, इसलिए क्या है एन यू जो रखा है। ऑनेस्ट, जब ऑनेस्ट को आप रीड करोगे तो उसकी साउंडिंग देख लेना एच का जो साउंडिंग ए में आ रहा है, इसलिए क्या है ए के जगह में एन यू जो रखा है, ठीक है। उसके बाद एन एम पी, एम पी जो मैंने लिखा हूं एम पी, अगर इसका साउंड एन देखोगे तो वास्तव में क्या है ये कॉन्सनेंट है, लेकिन उसका साउंडिंग के वजह से उसकी जो पहला मतलब जो जो आर्टिकल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है ए और एन का यूज होता है, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ए यूज ओनली फॉर कॉन्सनेंट, ओके। इफ देयर इज अ साउंड सिस्टम इज चेंज यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिकली। एंड एन इज यूज ओनली बिफोर वॉवल्स, बट इफ द साउंड इज कंसिडर एज ए, देन यू हैव टू यूज एन, ओके। सो नाउ वी यूज ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग्स फॉर द पास्ट टाइम, ओके। और दूसरा चीज आपके दिमाग में ये रखना है कि ए और एन जब हम किसी की, किसी चीज के बारे में हो या किसी इंसान के बारे में पहली बार बात कर रहे हो, ठीक है, उस समय में भी क्या यूज किया जाता है ए और एन यूज किया जाता है। लेकिन उससे, उसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि उसका रूल्स हमें क्या कहता है, ठीक है। ए बेसिकली कॉन्सनेंट में यूज होता है, एन जो है वो बबल्स में यूज होता है, लेकिन जब साउंडिंग सिस्टम है तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जो अभी हमने रीड किया वो हमें क्या बताता है कि ए और एन जो है जब हम किसी पर्सन या थिंग्स की के बारे में जब पहली बार अपनी सेंटेंस में या बोलते वक्त यूज कर रहे तब हमें यूज करना है ए और एन। व्हेन वी मेंशन द सेम पर्सन और थिंग्स अगेन वी यूज द, लेकिन जब हम उसी व्यक्ति और उसी चीज के बारे में दोबारा जब हम बात कर रहे तब हमें यूज करना है द, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा होगा मैं बताना चाहता हूँ। व्हाइल अ वुमन वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तो कॉन्सनेंट की यूज जरूरत है अ वुमन, ठीक है, वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप कॉमा अ बॉय सीज द पर्स इन हर हैंड एंड ट्राई टू एस्केप, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि एक औरत जो है बस स्टॉप में खड़ी हो रखी थी, और जो है एक लड़का जो है उनके हाथों से पर्स खींचा और भाग गया। उसके बाद लिखा है आई कॉल द बॉय, देखो आप बॉय की जगह में आप क्या आ गया द आ गया, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में उसी लड़के के बारे में बात हो रहा है, सेकंड वाले सेंटेंस में भी उसी लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो आप कंफर्म हो गया
कि वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स है, ठीक है, डेफिनेट नियम की निश्चित अनुच्छेद, ठीक है। तो इसलिए यहां पे दोबारा ए युग नहीं हुआ बल्कि इसमें डाई युग हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड मेड हिम रिटर्न द पर्स टू द वुमेन, ठीक है, आप वुमेन लिखा हुआ था लेकिन आप क्या हो गया, द वुमेन मतलब उसी औरत के बारे में बात कर, जो पहली सेंटेंस में जिस औरत के बारे में बात किया जा रहा था, जो बस स्टैंड में खड़ी हो रखी थी, उसी औरत के बारे में बात हो रही सेकंड सेंटेंस में। तो कहने का मतलब हमें क्लियर हो गया होगा कि जब हम पहली बार किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में बात करते तब हमें ए और एन यूज करना है, लेकिन जब उसी सेंटेंस को जब रिपीटेडली हम बात करते तब हमें डेफिनेट आर्टिकल्स डा यूज करना है। बट डोंट फॉरगेट कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज, ये भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें ये भी दिमाग में रखना जरूरी है कि जो है साउंड के मुताबिक भी कहीं बार एन आता है और कहीं बार ए यूज होता है, ठीक है, ये ग्रामर का रूल्स है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे दा का यूज किस तरह से होता है, ठीक है। As in the above example, da is used when it is clear understood or what is the meaning. There are further examples. ठीक है? जैसे कि हमने देखा कि da जो है, वो हमें एक clear understanding देता है। da का मतलब वो बिल्कुल वो चीज है, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। I am going to the school. मतलब आप केवल स्कूल ही जा रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, ठीक है, जो घर के कोना है वो बेचने के लिए है, ठीक है, घर के कोना होता है हर जगह पे, हर घर पे, तो वो क्या है, सेल करने के लिए। तो यहां पे लिखा द वर्ड्स ऑन द कॉर्नर टेल अस व्हिच हाउस देयर इज ओनली वन हाउस ऑन द कॉर्नर, ठीक है। अब जो दा यहाँ पे यूज हो रखा है वो बिल्कुल बताता है कि कौन से घर के किनारे या कोने के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आ कॉर्नर मतलब कौन सी घर, कौन सा कॉर्नर के बारे में बात हो रहा है, वो किसी को क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं किसी घर के कॉर्नर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर दा यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं साफ तौर से बता रहा हूँ कि इस कोने के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द पार्क, बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे उसी एक पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ जहां पे मुझे जाने के लिए उनको या मैं अकेले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दा यहाँ पे क्यों यूज हो रखा है, एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि आप उसी पार्क के बारे में बात कर रहे हो या उस घर के उसी कॉर्नर के बारे में बात करो। अगर आ या एन यूज करोगे तो कौन से पार्क के बारे में बात कर रहे हो या कौन से घर के किनारे या कोने के बारे में बात करो, वो क्लैरिटी नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेफिनेट मतलब निश्चित अनुच्छेद, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित अनुच्छेद। तो डेफिनेट मतलब अगर आप किसी को कुछ दा यूज करके बोल रहे हो तो उसका मतलब आप क्लियर हो या उसी चीज के बारे में ही आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ए एन यूज वन इट इज नॉट क्लियर विच वन इज मीन, ठीक है। ए और एन हम तब यूज करते कि हम उसका मतलब हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें साफ तौर से नहीं पता है ना कि उसकी मतलब हमें मालूम पड़ा है। कंपेयर टू द फर्स्ट थ्री सेंटेंस अबव द फॉलोइंग वेयर A is used before the same nouns. There is a house for sale. ठीक है? अगर कोई दो हाउस सेलर आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें घर चाहिए तो there is a house, मतलब वहां पे घर है, वहां पे घर है, तो ऑब्वियसली आप सुनने वालों को भी डाउट होगा कि कौन से घर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ही विल बी सरप्राइज एंड he will not knowing that which house he is talking about, okay, so there is no any particulars
clear information. Okay, so obviously the speaker will tell that there is a house for sale, but listener will not understand. Okay, so इसमें आपको clear हो गया. So दूसरा अगर आप देखोगे, let's find a park. ठीक है, आइए हम park ढूंढते हैं. ठीक है, अब उसका मतलब क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल से यूज हो रहा था, उसका मतलब क्या है कि बिल्कुल जो है किसी को भी नहीं मालूम है कि वो कौन से पार्क के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, आई एम गोइंग टू द पार्क, द पार्क मतलब मुझे वो पार्क का नाम पता है और मैं उसी पार्क में जाता हूँ. लेकिन आई एम गोइंग टू अ पार्क, ठीक है, उसका मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन से पार्क में जा रहा हूँ. तो इस तरह से जो है वो यूज किया जाता है. We naturally use the before superlative degree. ठीक है, superlative degree, comparative, superlative degree पढ़ा होगा आपने क्लास सेवेंथ में. ठीक है, तो इसमें भी वो क्या है, superlative degree में भी the का यूज होता है. The best player ever in the world. ठीक है, the richest man, जो कि EST यूज करके जो superlative बनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनल्स जिसमें कि नंबर होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, लाइक ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड. ठीक है, ऑर्डिनल्स नंबरिंग में भी जो आप द का यूज कर सकते हो. वी आल्सो यूज द बिफोर ए सिंगुलर नाउन टू रेफर ए होल क्लास और ग्रुप इन जनरल स्टेटमेंट. ठीक है, हम जो है सिंगुलर नाउन से पहले भी यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि एक ही क्लास एक तरह से जो है क्या है, ग्रुप इन जनरल स्टेटमेंट. जब साधारण जो वाक्य को हम जब देते हैं तब यूज करते हैं. द डॉग इज फेथफुल एनिमल. ठीक है, द डॉग इज फेथफुल यानी कि द कहां पे यूज रखा है, डॉग यानी कि डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन, उससे पहले द यूज रखा है. All dogs, dogs in general, ठीक है, all dogs में हम इस तरह से the dogs plural यूज, यानी dogs को plural बना नहीं सकते, all dogs बोल सकते हैं लेकिन the dogs as हम उसमें यूज नहीं कर सकते. My favorite flower is the rose, the rose, the roses नहीं होगा, all roses होगा लेकिन the roses नहीं होगा. ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव विदाउट नाउन टू टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल द ओल्ड ओल्ड पीपल. ठीक है, एडजेक्टिव से पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं जिसमें कि नाउन के बिना. ठीक है, जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि किसी समूह के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसे कि किसी ओल्ड के व्यक्ति के बारे में बात करें, ओल्ड पीपल, द यंग पीपल, the rich people, the sick, ठीक है, the unemployed. जब हम किसी लोग के बारे में बात करते हैं, चाहे old हो, चाहे young हो, चाहे rich हो, जो भी हो, तो उससे पहले भी the का use होता है. With musical instrument, तरह-तरह की बजाने वाला flute होता है, ठीक है, कॉन्गो होता है, तबला होता है, गिटार होता है, तार होता है, ठीक है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है उससे पहले भी द का यूज होता है. जैसे कि ही कैन प्ले द फ्लूट. ठीक है, फ्लूट से पहले अगर आप देखोगे तो डेफिनेट आर्टिकल्स यूज होता है. बट वी प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट एक्सेट्रा, नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम्स ऑफ गेम. ठीक है, और किसी भी खेलकूद के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो. The tennis, I am planning the tennis. No, ठीक है, it's totally wrong. ठीक है, I am playing the football. You can't use in this manner. Okay, with the name of games. A and is used apart from its use when mentioning a person or thing for the first time. दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 31 के लास्ट सेंटेंस में A और N. जब हम जो किसी व्यक्ति के बारे में या थिंग्स के बारे में पहली बार बात जब हम कर रहे होते उसके अलावा भी और उसकी तरीका है इस तरह से यूज होता है वो भी हम देखेंगे.
स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि डेफिनेट आर्टिकल्स जो द होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन यूज होता है। ए का यूज कॉन्सोनेंट में होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब इस फाइव लेटर को छोड़ के जो भी लेटर आता है वो कॉन्सोनेंट माना जाता है। और एन यूज होता है वोवल्स में, बट मेक श्योर दैट जरूरी नहीं है कि अदल बदल नहीं हो सकता है, ठीक है। ए जो है वो वोवल्स में भी कई बार यूज होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू द साउंड सिस्टम, ठीक है। और एन जो है कई बार देखो एमपी के आगे भी यूज हो सकता है, ऑनेस्टी के आगे भी यूज हो, जबकि वो कॉन्सोनेंट है। एम अगर देखोगे तो रूल के हिसाब से क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन क्यों यूज हो रहा है, लेकिन एम का जो साउंडिंग सिस्टम है वो ए में आ रहा है, ठीक है, इसलिए एन यूज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस लेसन। प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 6। स्टिल देन स्टे एट योर होम and do your homework. Thank you and have a nice day.